यूपी बेसिक शिक्षा विभाग से दो गुड न्यूज, बड़ी खबरें अनुदेशकों के लिए। पहली ट्रांसफर को लेकर, दूसरी मानदेय 17,000 को लेकर। क्या है पूरा समाचार देखेंगे आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं एन न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुदेशक न्यूज में, जो है आपके संघर्ष का साथी। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब खबर विस्तार से साथियों, जैसा कि आपको बताया गया था चैनल के माध्यम से कि मार्च के लास्ट हफ्ते में आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी अनुदेशकों से संबंधित ट्रांसफ़र को लेकर और मानदेय 17,000 को लेकर। तो साथियों, समाचार आना शुरू हो गया है स्थानांतरों को लेकर और मानदेय 17,000 को लेकर। इस वीडियो में पूरा विस्तार पूर्वक हम बताएंगे। पहला समाचार लेते हैं, अंशकालिक अनुदेशकों का जिले के अंदर किया जाएगा स्थानांतरण। नए विद्यालय के लिए अनुबंध नवीकरण की विभाग ने तय की जाएगी प्रक्रिया। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बनेगी समिति, ऑनलाइन होगी समस्त कार्रवाई, चाहे वो ट्रांसफ़र प्रक्रिया हो या फिर अनुबंध। लखनऊ से बड़ा समाचार, अनुदेशकों के लिए उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों के जिले के अंदर ट्रांसफ़र किए जाएंगे, यानी कि विद्यालय परिवर्तन किए जाएंगे। इसके लिए शासन की ओर से ऑनलाइन अनुबंध नवीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। प्रदेश में लगभग 26,000 अंशकालिक अनुदेशक तैनात हैं। शासन ने बेसिक शिक्षा परिषद के 100 से अधिक नामांकन वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तैनात अंशकालिक अनुदेशकों का जिले के अंदर नए विद्यालय में अनुबंध नवीनीकरण की नीति जारी की है। पहली बार ये ऑनलाइन कार्रवाई शुरू होगी। 3 चरणों में इसका नए विद्यालय का अनुबंध नवीनीकरण कला शिक्षा से कला शिक्षा, शारीरिक शिक्षा से शारीरिक शिक्षा व स्वास्थ्य और कार्य शिक्षा से कार्य शिक्षा में किया जाएगा। इसके लिए डीएम की अध्यक्षता वाली समिति बनाई जाएगी। इसमें सीडीओ, उपाध्यक्ष, डायट प्राचार्य व समग्र शिक्षा के सहायक वित्त एवं लेखाधिकारी सदस्य एवं साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारी बतौर सदस्य शामिल होंगे। पहले चरण में 100 से कम छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में खाली पदों के सापेक्ष प्रक्रिया पूरी की जाएगी। किसी विद्यालय में खाली पदों के सापेक्ष एक से अधिक आवेदन मिलने पर निर्धारित भारांक के अनुसार चयन होगा। प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा दीपक कुमार के अनुसार दूसरे चरण में 100 से अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों में कार्यरत अंशकालिक अनुदेशकों का जिले के अंदर स्थानांतरण किया जाएगा। इसके लिए अनुदेशकों को 5 विद्यालयों का ऑनलाइन विवरण देना होगा। यही तीसरे चरण में 100 में अधिक छात्र नामांकन वाले विद्यालयों के अनुदेशकों का पारस्परिक स्थानांतरण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन के बाद अनुदेशक इसकी प्रति डाउनलोड कर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भी जमा करेंगे। 2 प्रतियों में इसकी रसीद उनको दी जाएगी। बीईओ आवेदन पत्र भारांक व अभिलेख परीक्षण कर अपनी संस्तुति बीएसओ को देंगे। बीएसए इस पर ऑनलाइन अपनी संस्तुति देंगे। इसके बाद अनुबंध नवीनीकरण के लिए गठित समिति परीक्षण कर इसे वेबसाइट पर अपलोड करेगी। दूसरा बड़ा समाचार मानदेय 17,000 को लेकर है। जैसा कि आप देख के आ रहे हैं कि शासन की ओर से लगातार समीक्षा बैठकें हो रही हैं। 14/3/2023 को अभी समीक्षा बैठक हुई है, जिसमें मानदेय 17,000 पर शासन ने विचार किया, समीक्षा की। अब इसकी अगली बैठक 28/3/2023 को की, यानी कि लगातार बातचीत और समीक्षाएं हो रही हैं। अनुदेशक मानदेय 17,000 को लेकर सरकार तैयारी कर रही है और मन बना रही है अनुदेशकों को मानदेय 17,000 देने के लिए, क्योंकि लगातार समीक्षा बैठकों में अनुदेशक मानदेय 17,000 के जो डबल बेंच का आदेश है उस पर बातचीत हो रही है। तो साथियों, ये थी खास खबरें। मिलते हैं किसी और गुड न्यूज़ के साथ, सिर्फ और सिर्फ अनुदेशक न्यूज़ पर। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अनुदेशक न्यूज़। अगर चैनल पर नए हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।